हेलो हाँ कूप, मुझे और मेरी पूरी टीम को लगता है कि हमारे प्रिंट एड्स के लिए आप परफेक्ट मॉडल हैं और हम चाहते हैं कि कल अगर आपके पास टाइम हो तो हमारी कंपनी आ जाइए और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट? रियली कूप? कूप, आप मैरिड हैं? जी सर। तो कूप, कॉन्ट्रैक्ट में एक नो प्रेगनेंसी क्लॉज भी होगा, इसके तहत एक साल तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट कल मैं आपको मेल कर दूंगा और आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, जिस किसी को भी दिखाना आप दिखा सकते हो। आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा इसमें। ओके कू, बाय, टेक केयर। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट? मैं मॉडल बन सकती हूँ? मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट? इंडिया के हर शहर पे मेरे होर्डिंग्स होंगे, दीवारों पे मेरे पोस्टर्स होंगे, मेरा लाइफ लॉन्ग सपना आज तक सच हो जाएगा। लेकिन अगर इस बेबी को कुछ हो गया तो, इसके साथ कोई इश्यू हो गया तो माँ से मुझे और कुणाल को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी रिच और फेमस हो गई तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फेमस लोगों को तो कोई इग्नोर भी नहीं कर पाता, माँ भी नहीं कर पाएगी। मैं साइन कर दूं क्या? गुड मॉर्निंग कुहू, सुबह सुबह फोन पे लग गई? जरूर कोई फोटो पोस्ट की होगी ना तुमने, रुको देखता हूँ। कुहू, क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है कुनो। इधर आओ बैठो, मुझे बताओ तो हुआ क्या? मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हें कोई एड फिल्म ऑफर हुई है? हाँ, वो स्टूडियो में डायरेक्टर सर थे ना, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बात शुरू की। मैं तो बस एसआरके से मिलने गई थी, आई स्वेयर, मैं काम ढूंढने नहीं गई थी कुनो। ओके सबके गोल, लेकिन तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम नाराज नहीं हो? नहीं, I'm so proud of you, Kuhu. सच? हाँ। Thank you so much, Kunal. मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ? Obviously not. Kuhu, तुम प्रेग्नेंट हो और ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट तुम कैसे साइन कर सकती हो? Kuhu, माँ, भाई, मिष्टी, सबकी खुशियां तुम पर टिकी हुई हैं और याद रखना, हमने उन्हें बहुत फोर्स किया था, बहुत बहुत मनाया सरोगेसी के लिए, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तो मुझे उनके सपनों के लिए अपना हैशटैग चाइल्डहुड सपना सैक्रिफाइस करना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस एक साल के लिए उसे पॉज करना होगा, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस। को अभी के लिए एजेंसी वालों को रिप्लाई करके मना कर दो, और हाँ, ऐसा दोबारा रो के मुझे डराना मत प्लीज। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर नहीं सकती, ना करना नहीं चाहती, करूँ तो करूँ क्या? आराम से। हैशटैग थैंक यू मिष्टी। सुन, तुमने माँ को कहीं देखा क्या? हाँ, अभी तो यही थी, मामा जी से कुछ बैंक के काम से रिलेटेड कुछ बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है, तू ब्रेकफास्ट टेबल पे चल, मैं आ रही हूँ, ठीक है? आराम से। बैंक का क्या काम? क्या वो मुझे और कुणाल को हमारा हिस्सा दे रही है? अगर ऐसा है तो मैं मॉडलिंग के लिए एक साल बाद ट्राई कर लूंगी, एटलीस्ट कुणाल को उसका हक तो मिल जाएगा। ब्रो, ऑल ओके? हाँ ब्रो, मैं कुछ सोच रही थी, बट हैशटैग नथिंग इम्पोर्टेंट।
डोंट नो, मैं देखती हूँ। सब इतने हैप्पी हैं, माँ को भी हैप्पी होना चाहिए। एक बार माँ से बात कर लेती। जसमीत चाची। हाय चाची। चाची मम्मा मानी क्या? बहू मैंने तुझे कहा था ना कि वर्षा भाभी इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। वैसे एक बात कहूँ, ताई जी ने मुझे तेरे लिए गाय के घी का हलवा बनाने को कहा है, वही बना रही हूँ। आपको और दादी को आज तक बिग थैंक यू, पर मम्मा कब तक नाराज रहेंगे? पता है वो पूरे सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, तब यहाँ पे इतने खुश है और मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। पता है कल मुझे गिफ्ट में कंगन भी मिले और आज भी ब्रो और मिश्टी ने मेरे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था। अच्छा, और तेरी सास ने तेरे लिए क्या किया है? चाची आप और मम्मा ना मुझे बच्चा ही समझते हो, पर आज तक आई एम नॉट स्टूपिड। देख लेना, एक दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने जो कुछ भी किया है उसी में सबकी भलाई थी, और तब आप मेरी इतनी तारीफ करोगे जितनी तारीफ आपने कभी एसआरके की भी नहीं की होगी। अच्छा, ऐसा कौन सा तीर मारा है तूने, जरा मुझे भी बता। तीर तलवार सीटी कुछ नहीं मारा है, हैशटैग बाय चाची। ओ हैशटैग की बच्ची। देख मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपना ख्याल रखे। कहूँ एक बात कहूँ, आम तो सभी खाते हैं लेकिन गुठली को कोई घर में सजा के नहीं रखता। ऐसा ना हो कि ये लोग तुझसे काम निकलवाने के बाद तुझे साइड पे फेंक दे, मैं इसलिए कह रही हूँ तो अपना ध्यान रख। शो मिस्टर मेहता, थैंक यू। भाई हमारे एक क्लाइंट है, उनके नए होटल की ओपनिंग है आज, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। हैशटैग पार्टी गाइस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है तो हम सबको जाना चाहिए। ग्रेट, हम सब चलेंगे। हाँ मैं भी चलूंगी, मैं अपनी नई वाली ब्लू ड्रेस पहनूंगी। ओ बेटा, इस हालत में तुम्हारा बाहर जाना सही रहेगा? अरे सब सही रहेगा पारुल, मैं दो दिन खाए बिना रह सकती हूँ लेकिन आज पार्टी में जाए बिना नहीं रह पाऊंगी प्लीज। ब्रो मासी सही कह रही है, सबने मास्क पहना होगा वहां पे, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक तुम्हें जाना चाहिए, कोरोना का भी डर है ना। करेक्ट, अगर आज की पार्टी तुम अवॉइड करो तो बेटर होगा। अरे ये क्या बात हुई, मतलब पूरे घर में मैं अकेली रहूंगी क्या? अकेली क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। थैंक्स पारुल। और मैं और मिश्टी भी यहीं रुक जाएंगे, हम घर पे ही अपनी छोटी सी पार्टी कर लेंगे। लेकिन अबीर, मिश्टी रेड पेयर कंपनी की ओनर है, इसलिए मिश्टी का जाना तो बहुत जरूरी है, अगर वो तुम्हारे बगैर अकेली गई तो बहुत अजीब लगेगा। आम तो सभी खाते हैं लेकिन गुठली को कोई घर में सजा के नहीं रखता। ऐसा ना हो कि ये लोग तुझसे काम निकलवाने के बाद तुझे साइड पे फेंक दे। आप दोनों जाइए ब्रो, मैं ऊपर जाके रेस्ट कर लूंगी। नानको हम एक घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक प्लीज तू संभाल लेना। ठीक है भाई, थैंक्स। थैंक यू पारुल, बिजनेस तो कुणाल संभाल ही लेगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि अबीर और मिश्टी भी बिजी रहे, उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुहू जिस बच्चे को जन्म देने वाली है उस बच्चे पर मिश्टी और अबीर का हक कम है। नहीं बेनबा, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, ये कारोबार अबीर का भी तो है। बच्चे के आने पर कुहू से किया वादा जरूर पूरा करूंगी, पर अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए अबीर को आपकी बात समझनी ही होगी पारुल। अबीर सब कितना एंजॉय कर रहे, पार्टी में और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे, मैं विश मैं भी कर पाती। माँ, माँ आपने कहा था कि मेरे प्रेग्नेंट होने पे आप कुणाल को ऐसी बात करने की यही जगह मिली तुम्हें, कोई सुन लेगा को हो। मैं दिन भर आपका वेट कर रही थी, आप आई ही नहीं।
मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बिजी थी। उस बिजनेस को संभालने में जो तुम चाहती हो कि मैं कुणाल को दूं। ठीक है माँ, वो सब तो ठीक है, पर आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? मुझे तो मेरा वादा पूरी तरह से याद है, पर आज तुमने जो बेवकूफी की है, ऐसी अगर दोबारा की और मेरे असली वारिस की जान को खतरे में डाला तो शायद मैं अपना वादा भूल जाऊंगी। हम दोनों तुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्दी लौट आएंगे, है ना अबीर? यस। वैसे भी मेरे और मेरी कूलनेस के बिना तो वो हैशटैग पार्टी बोरिंग ही होने वाली है। आई एग्री, और हम तुम दोनों को बहुत मिस करेंगे पार्टी में। कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। मिष्टी तो हमेशा ही प्यारी लगती है, लेकिन आज बहुत सुंदर लग रही है। माँ बनने की खुशी चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। क्यों कू? नहीं नहीं पारुल मासी, वो तो मेरे साथ खड़ी है ना, तो मेरा ग्लो इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा आप कू का ख्याल रखिएगा, हम जल्दी लौट आएंगे। हाँ चलें। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तुझसे काम निकलवाने के बाद तुझे साइड पे फेंक दे। आई जस्ट होप कि माँ मेरे लिए ना सही, कम से कम कुणाल के लिए अपना वादा निभाएगी। कू अंदर आ जाओ। अरे पारुल माँ आइए ना। ये बाल गोपाल किस लिए? क्योंकि माँ को लड़का चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हर पल बाल गोपाल तुम्हें और बच्चे को देखते रहेंगे ना, तो तुम दोनों को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। और अब ये बताओ ये कौन है? ये तो मैं हूँ। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? ऐसा कहते हैं कि माँ जिसकी फोटो अपने कमरे में लगाती है ना, बच्चा बिल्कुल उसके जैसा होता है। मिष्टी ने ये फोटो राजश्री जी से मंगवाई क्योंकि वो चाहती है होने वाला बच्चा बिल्कुल हमारी कुहू जैसा प्यारा और सुंदर हो। तो अभी अभी एंट्री ली है रेड पेंस की ओनर मिसेज मिष्टी राजवंश और उनके हस्बैंड इंडियाज लीडिंग एनजीओ फाउंडर मिस्टर अबीर राजवंश ने। और सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि ये पावर कपल बहुत ही जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। सो कांग्रेचुलेशंस। ये दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहें और खूब तरक्की करें। कहो ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। इतना बड़ा बलिदान हर कोई नहीं दे सकता। जीती रहो। पारुल मासी है इस घर की नौकरानी, वो इनके जैसा बनना चाहती है। कहीं चाची सही तो नहीं कह रही थी? कहीं मेरा फ्यूचर भी पारुल माँ जैसा तो नहीं? मैं भी तो उनकी तरह अपना बेबी किसी और को दे रही। मैं क्या सोच रही हूँ, वो मेरा बेबी थोड़ी ना है। पर अगर वो मेरा बेबी नहीं है तो फिर मैं ये सब क्यों कर रही? माँ से कुणाल को उसका हिस्सा दिलाने के लिए। पर माँ तो बहुत जिद्दी है, वो तो वही करेंगे जो उन्हें करना है। तो क्या मैं कहीं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही? एड एजेंसी वालों का मैसेज। कुहू जी क्या आप श्योर हैं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती? शायद ये मौका दोबारा मिले ना मिले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।